अब देखिए ड्रग का डिज़ाइनिंग भी ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अब देखिए ड्रग जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो किस अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं तो दो बेसिक मेथड्स हैं जिस अकॉर्डिंग ड्रग को डिज़ाइन किया जाता है पहला मेथड है हमारे ड्रग टारगेट मतलब ड्रग ने टारगेट किसको करना है कौन से माइक्रोमोलिक्यूल्स पे उसने अपना इफेक्ट दिखाना है और दूसरा है ड्रग मेटाबॉलिज्म कि वो किस तरह से मेटाबोलाइज होगा अगर हम ड्रग टारगेट की बात करते हैं तो देखिए अब जो ड्रग है सपोज आपको स्टमक में पेन हो रहा है ठीक है ड्रग ने जाकर इफेक्ट आपके स्टमक पे करना है तो इट शुड नॉट मेट बिफोर रीचिंग द स्टमक है ना कि जो ड्रग का इफेक्ट है या ड्रग का जो कैटाबोलिक एक्शन होगा ड्रग पे कि ड्रग जो डिजॉल्व होगा वो तब तक नहीं होना चाहिए उसका इफेक्ट तब तक नहीं होना चाहिए वो मेटाबोलाइज तब तक नहीं होना चाहिए जब तक वो स्टमक तक ना पहुंचे सो इट शुड नॉट गेट मेटाबोलाइज बिफोर रीचिंग द टारगेट ऑर्गन और हमारे अंदर काफ़ी सारे बायोलॉजिकल माइक्रोमोलोलिक्यूल्स हैं फैट्स हैं प्रोटीन्स हैं वहीं पर जाकर ड्रग मेटाबोलाइज होता है क्योंकि उनके पास पर्टिकुलर तरह के रिसेप्ट है। वो रिसेप्टर्स जो आप कह सकते हो ड्रग को अट्रैक्ट करते हैं उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं फिर उसको मेटाबोलाइज करते हैं तो पहला हमारे पास यही है दैट अकॉर्डिंग टू टारगेट, दैट वेयर इट इज गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड, इट्स रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट वेयर इट इज गोइंग टू शो बॉन्ड और उस बेसिस पे हम इसको ड्रग को डिजाइन किया जाता है और दूसरा फैक्टर है हमारे पास ड्रग मेटाबॉलिज्म सी वंस इट रीचेस द टारगेट ऑर्गन ड्रग आपका मेटाबोलाइज नहीं हुआ बॉडी में और टारगेट ऑर्गन तक पहुंच गया ठीक है अब जब टारगेट ऑर्गन तक पहुंच गया है तो टारगेट ऑर्गन के पास ही वो रिसेप्टर्स होते हैं जो उसको मेटाबोलाइज कर पाते मतलब जो पार्ट ड्रग का उसको चाहिए वो वो यूज कर लेता है और जो रहता है रिमेनिंग पार्ट है दैट शुड बी वाटर सोल्यूबल क्योंकि वो वेस्ट है उसको अगर हम बॉडी के अंदर रिटेन करेंगे तो वो नुकसान देगा तो जो चीज ड्रग की यूज होने वाली है वो यूज अप हो जाती है मेटाबोलाइज हो जाती है और जो बचता है दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज द वाटर सोल्यूबल पार्ट और एंड इट कैन बी इजीली एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन और देखिए उसको वाटर सोल्यूबल पार्ट तो होना ही भी होता है क्योंकि अगर कोई भी चीज जिसका कुछ फायदा ही नहीं आपकी बॉडी में और वो बॉडी आप उसको ले ही नहीं पा रही है अगर वो आपकी बॉडी के अंदर वो चीज रहेगी तो इट इज सम हाउ गोइंग टू शो सम एडवर्स इफेक्ट कुछ साइड तो इफेक्ट दिखाएगी ना सो दैट मीन जो ड्रग का डिजाइनिंग है वो इस तरह से Uh, पूरा प्लान होता है कि वहीं पे ड्रग uh, मतलब डिजाइन ही उस तरीके से होता है कि कहाँ पे इसके रिसेप्टर्स है कौ, कौन सा पार्ट इसका मेटाबोलाइज होना है अकॉर्डिंग टू ड्रग मेटाबॉलिज्म और कौन सा पार्ट इसका एक्सक्रीट आउट होना है सो दिस इज ऑल अबाउट ड्रग डिजाइनिंग सो विद दिस वी फिनिश आर दिस वीडियो जिसके अंदर हमने ड्रग डिजाइनिंग के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा कि कैसे ड्रग एक्ट करती है टारगेट अपने मैक्रोमोलिक्यूल जो टारगेट होती है उन पर किस तरह से फंक्शन करती है गो थ्रू दिस कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव मैकेनिजम बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक